ईयर्स का चैप्टर नंबर थर्ड में जो बचे हुए पार्ट्स थे, जो बचे हुए टॉपिक थे, उनको हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पौधे कितने तरीके के होते हैं, तो मैंने बताया था कि कितने सीज़न वो ग्रो करते हैं उसके हिसाब से हम उनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। अब हम पढ़ेंगे कि इनके हैबिटेट यानी ये कहाँ उगते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से कहाँ ये रहते हैं उसके हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस जहाँ वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट हम पौधों को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे ग्रो, ठीक है। हम पौधों को जहाँ वो उगते हैं उनके हिसाब से हम इनको कैटेगराइज यानी बांट सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो टाइप में डिवाइड होते हैं, पहला है लैंड प्लांट और दूसरा है वाटर प्लांट। लैंड प्लांट यानी ऐसे पौधे जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं लैंड प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें भी है दो तरीके के पौधे होते हैं, एक तो जिनको पानी की ज़रूरत होती है और दूसरा जिनको पानी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो पहला जो है नीड सफिशियंट वाटर टू ग्रो, ऐसे पौधे जिनको सफिशियंट मात्रा रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, वो पौधे हैं सुगर केन, रबर, कॉफ़ी एंड कोकोनट, ये ऐसे पौधे जिनको पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा है ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, ऐसे पौधे जो कि सूखी जगह पे ग्रो करते हैं, ड्राई प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे होते हैं हमें डिजर्ट में देखने को मिलते हैं, पहला है कैक्टस और एकेसिया, ये दो ऐसे पौधे जो कि डिजर्ट में पाए जाते हैं। अब अगला है वाटर प्लांट्स, पानी में रहने वाले पौधों को हम बोलते हैं वाटर प्लांट्स या इन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, ये जो है वाटर प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले तीनों पौधे हैं, ठीक है। तो इनमें भी वाटर प्लांट में भी दो तरीके के पौधे थे, एक जो कि पानी के सतह पे रहते हैं, पानी के सरफेस पे ऊपर रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं, और दूसरा जो है पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए रहते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स, पहला जो है वो क्या है, फ्लोटिंग प्लांट्स यानी तैरते हुए पौधे, ठीक है। वाटर हाइसिंथ इसका एग्जांपल है, ऐसे पौधों की जो बॉडी होती है वो स्पॉन्जी होती है, स्पंज की तरह होती है, और उनमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं जिसके कारण वो पानी के सरफेस पे फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। और दूसरा है सबमर्ज्ड प्लांट यानी जो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। इनकी ऐसे पौधों की जो घास लीव्स होती हैं और स्टेम जो होते हैं बहुत ही थिन और डेलिकेट यानी पतले होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, ये दो ऐसे पौधे जो कि पानी में बिल्कुल डूबे हुए रहते हैं।